कनाडा से आज हमें दो स्टूडेंट वीज़ा मिले हैं, जिसमें बिस्मनदीप सिंह बजाज और इशिता बहल, इनका हमें स्टूडेंट वीज़ा मिला है। और दो विजिटर वीज़ा मिले हैं हमें, पंकज भाटिया और दीपक भाटिया, इनका हमें विजिटर वीज़ा मिला है आज। तो कनाडा में अभी लेटेस्ट क्या सिनेरियो चल रहा है, तो उसका भी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लस जो दो स्टूडेंट्स के हमारे पास वीज़ाज मिले हैं स्टडी वीज़ा, उनका भी आपको प्रोफाइल बताऊंगा और उनकी भी आपको डिटेल में स्टोरी बताऊंगा। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि हमारे हमेशा कोशिश रहती है इस चैनल के थ्रू कि आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सारी आप तक पहुंचाई जाए और आपको अपडेटेड रखा जाए। तो कनाडा में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, वो खाली वीज़ा ही बताते हैं। तो मैं आज ये भी ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं कि हमारी दो रिफ्यूज़ल्स भी आई हैं, और जो कि दो स्टडी वीज़ा की रिफ्यूज़ल्स थी। हालांकि वो प्रोफाइल भी हम दोबारा उनको रीलॉन्च करेंगे, क्योंकि इसमें भी जो आज हमें दो वीज़ा मिले हैं, इसमें भी एक स्टूडेंट का हमारा रीलॉन्च ही था फाइल। ये भी प्रोफाइल अच्छा था, ये बच्चे के 7.5 बैंड थे और मार्क्स भी अच्छे थे, तो इसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। तो इसको हमने दोबारा रीलॉन्च करके फाइल और स्टडी वीज़ा हमने लिया है। तो अब भी जो रिफ्यूज़ल्स आई हैं, तो क्योंकि हमारी ये कोशिश रहती है, क्योंकि हमारी वीज़ा सक्सेस बहुत अच्छी रहती है, हम फाइलिंग पे बहुत मेहनत करते हैं। हमारा 3-tier फाइलिंग सिस्टम है हमारी कंपनी का, कि एक जो हमारे पहले फाइलिंग ऑफिसर है वो फाइल चेक करते हैं, फिर हमारे जो मैनेजर है वो चेक करते हैं, थर्ड स्टेज पे खुद मैं चेक करता हूँ हर फाइल, और उसकी SOP की एक एक लाइन मेरे थ्रू होके जाती है। फिर भी क्योंकि कनाडा में इस टाइम बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूज़ल आ रही है, ऑलमोस्ट 50% के करीब रिफ्यूज़ल है, तो नेचुरल है रिफ्यूज़ल आना भी एक पार्ट है इसका। तो लेकिन ये है कि हम इस दोनों प्रोफाइल्स को भी दोबारा लगाएंगे और इनका भी हम वीज़ा लेंगे, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको वीज़ा लेके दें। हालांकि हमारी फाइलिंग में आगे भी कोई कमी नहीं रहती, पर इस टाइम टाइम पीरियड ही ख़राब चल रहा था, तो उस कारण कुछ बच्चों की रिफ्यूज़ल आ रही हैं, और वो भी जो मार्केट में बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स हैं। मैं उनको भी ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी डीमोरलाइज ना हो, आप अपना जिनका प्रोफाइल अच्छा है, हाँ अगर आपके प्रोफाइल में कोई वीकनेस है, मान लीजिए आपकी परसेंटेज का में आपकी बैकलॉग ज़्यादा है, आपका गैप है स्टडी में, ठीक है, आपके मेन कोर सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, आपके अगर मान लो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसमें मार्क्स कम है, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि आपके प्रोफाइल में कमी है, तो उसमें हो सकता है कि आपको वीज़ा दोबारा भी रिलॉन्च करो तो भी ना मिले। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपका अगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो आप डेफिनेटली अपनी फाइल जरूर रिलॉन्च कीजिए और आने वाले टाइम में आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि इस टाइम जो रिफ्यूज़ल्स आ रही है, मेजरली उसका कारण ये है कि उनके पास रश बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और लेकिन जैसा कि दो विजिटर वीज़ा भी मिले हैं, तो जो स्टूडेंट्स के कुछ पेरेंट्स या कोई और भी विज़िट करना भी चाहते हैं कनाडा, वो भी अपना फाइल एक बार हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बैठे हैं, आप हमारे से ऑनलाइन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट और अपना प्रोफाइल असेस करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज, फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर ऑफर्स एंड न्यू अपडेट्स।